और अब खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां पर चोरी, डकैती और दीगर स्ट्रीट क्राइम में इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों में अदम तहफ़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। बहावलपुर के सीनियर वकील ताहिर सईद रामे के घर के बाहर दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई और सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ताहिर सईद रामे के घर के बाहर कुछ डाकू कार पर सवार होकर आए और उन्होंने आकर वहां पर जो उनकी फैमिली के लोग उनकी गाड़ी में सवार हो रहे थे उनको बाहर निकाला और वो ताहिर सईद रामे एडवोकेट की गाड़ी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दिन दिहाड़े ये वारदात की गई और डाकू बहुत ही आराम के साथ फरार होने में कामयाब हो गए। बताया गया है कि ताहिर सईद रामे की जानिब से थाने को दरख्वास्त दे दी गई है, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। वकला की जानिब से सीनियर वकील के घर के बाहर दिन दिहाड़े डकैती की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और DPO बहावलपुर से मुतालबा किया गया है कि मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सीनियर वकील ताहिर सईद रामे की छीनी गई गाड़ी बाजियाब कराई जाए। वकला ने यह भी कहा है कि अगर फौरी तौर पर एक्शन न लिया गया तो इस पर रास्त इकदाम किया जाएगा। याद रहे कि बहावलपुर और किरतोनवा में चोरी, डकैती और दीगर वारदातों में इजाफे के बायस शहरी भी लूटने पर मजबूर हो चुके हैं।